हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, मॉर्निंग की अभी शायद 8 बज रही है और इन लोगों ने मजे से चाय पी रहे हैं और अभी मैं रेडी नहीं हूँ। है ये देखो, इस सख्त को देखो, पूरी रात सोई है। सिखा गाइस, अब जाती हूँ मैं नहाने, उसके बाद मुझे बाबा हो, उसके बाद धारा पूजा है। और क्या धारा पूजा है? धारा पूजा है अभी की रसोई, तो उसमें बनाऊंगी मैं हलवा। उसके बाद जाना है मैं गाँव, तो चलो बने रहना हमारे ब्लॉग के साथ। तो गाइस, हो गई मैं नहा धो के रेडी। मैंने पहना भी सूट, क्योंकि बाद में पहनूंगी मैं साड़ी घर जाने के लिए। तो अभी हम जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है और जो भी होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो गाइस, अभी थोड़ा मैं धूप पर बैठी हुई हूँ और ये मौसी है। हेलो चांदनी ब्लॉग, इनको भी सपोर्ट करें। इनका भी दीक्षा को खूब सपोर्ट करें, इसकी नई नई शादी हो रखी है, इसको आप भी प्यारा सा गिफ्ट दे दें सब्सक्राइब करके। और ये पिंकी है, इसको नहीं जानते होंगे पर ये मेरी सिस्टर है प्रियंका। बस देखो, एक ब्लॉग बनी ना ये, और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। पहले तो यहाँ से दिख नहीं रहा क्योंकि पर्दे पर्दे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे बना रही हूँ दीक्षा का ब्लॉग। वाकबली, हाँ काकमू में दूर जाऊंगा अच्छा। मैं से दूर अब दीक्षा सबको पानी पिलाएगी, शुरुआत हो गई दीक्षा की पानी पिलाने से। और ये है दीक्षा की नानी सास। तभी घर के ही पंडित जी हमारे। आज दीक्षा की फर्स्ट रसोई है। हेलो दीक्षा, आज दीक्षा की पहली रसोई है, देखते हैं दीक्षा कैसा बनाती है, बहुत टेस्टी बनाएगी। यो दीक्षा मस्त। लाइन पसंद खाना। पहली रसोई, नई नई दुकान जो आ रही है, आज उसका पहला दिन है। चौका जिसको बोलते हैं चौका पूजन, इस चौका पूजन होते है, रसोई का पूजन होता है, अग्नि का पूजन। अग्नि का पूजन सबसे बढ़िया होता है क्योंकि इससे आज से नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। आज जो नई दुल्हन आई है वो नया भोजन बनाएगी, अच्छा भोजन बनाएगी, स्वादिष्ट भोजन। इसके माता पिता ने कैसा भोजन बन सिखाया है आज पता चलेगा। इंटरव्यू है, पहला दिन है, फर्स्ट डे, पता चलेगा कितना तो स्वादिष्ट खाना बनाएंगे। और वो इतने डिजाइन से क्या फूल बना रखे हैं पे? ये तो लच्छे पराठे बन रहे, लच्छे पराठे की तैयारी कर रहे हैं। वैसा दीक्षा बड़े नई दुल्हन ने बनाए हैं, लच्छे पराठे की तैयारी चल रही है। दीक्षा पकड़ा, आपको सांस वाते कर
इसका मतलब ये होता है सास के कच्ची पकड़ाने का मतलब ये होता है जितना स्वादिष्ट भोजन सास बनाती है स्वादिष्ट भोजन बहू बनाएगी। ये सारी कच्ची पकड़ाने का तात्पर्य ये होता है हमारे रीति रिवाज में कि सास कच्ची पकड़ा रही जितना स्वादिष्ट भोजन सास बनाती है उतना ही स्वादिष्ट भोजन बहू बनाएगी आज के बाद। इसका हमारे रिवाज है। ये जिया जी का पूरा मकसद ये था कि दीदी की तारीफ की जाए। उल्टा पुल्टा सिखा रहे हैं। उल्टा पुल्टा नहीं सिखा रहे, हमने का पूरा भर भर के कटोरा खा लिया। बोल दीक्षा, अभी मैं कर रही हूँ अपने ससुराल की पहली रसोई तैयार। बोल 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 हम हो जाएगा सर मोड में बैठ चल बोल। मैं बना रही हूँ हलवा जो कि फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ससुराल में ही। मायके में भी बनाया कभी? मायके में मैंने कभी नहीं बनाया, ये ससुराल में फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो देखते हैं कैसा है। सही बात है। तू इतना चे असली दगड़िया अब ब्लॉग बनाने मैं भी हूँ यहाँ पर तो देखना चाहिए ना कि किचन में हम लोग भी हैं। भले हम लोगों ने मुंह नहीं धो रखा अभी तो आ गए भी तैयार हो गए। मैं भी वैसे ही आ गई। कोई बात नहीं तो मैं हूँ दीक्षा की सास छोटी सास। सब छोटी आप हो? मौसी सास। हाँ मौसी सास सास को सास बोल रही है। बोल छोटी सास को हर चिल्ला तो अंदर से बोल रही है। भाभी एक कटोरी हमारे लिए अलग रख देना। अपना दीक्षा को ससुराल वाली फीलिंग आई ही नहीं होगी। घर वाली फीलिंग आई जो बताने वाली है। ऐसा होता है ना सही तो है ये ऐसी फीलिंग तो आती थी। कोई नहीं जानने पहचानने वाला सिर्फ दुल्हन और उसके साथ जो आए हैं वही जानते हैं। पर इतना बोल रहे हैं कि वो कुछ रसोई में कुछ बना रहे हैं। दुल्हन की हालत खराब है यार। पानी ज्यादा तो नहीं डालोगा यार? चीनी ज्यादा तो नहीं डाली होगी? ठीक है ना ऐसी चाहिए मुझे। यही सही ऑर्डर है। तुम यहाँ पे नहीं आएगा तेरे की बता देंगे। उधर से पूरी शक्ल दिख रही होगी नहीं भाभी की? यहाँ से नहीं दिख रही। यहाँ पे कोई भी जेठ नहीं है ना? ये बातें बताई नहीं जाती। संजय भैया मतलब अभी संजय भैया और गोलू भैया वही तो है संजय। विकास भैया भी आपसे बड़े हैं? विकास भैया और सब बड़े हैं। सब बड़े हैं भाई। तो छोटा हूँ मैं भी। ईशु से बड़ा हूँ बस। हाँ यार इससे भी 3 दिन वो भी। आप मूसे से? मूसे से 1 महीना बड़े। हाँ मैं बड़ा हूँ उससे। मूसा क्या था यार? शिवम। शिवम गिप्पी कह रहा। गिप्पी ने सृष्टि को पूछा कि डॉल्सी लोग आ गए? उसने कहा हाँ आ गए। तो गिप्पी ना कहा है तो उसने कहा वो सो गया तो वो बाहर चले गई। गिप्पी कह रहा है जब की बात है होटल में सोने गए थे फिर आगे सो गए। नोनियाल के नोनियाल
अरे आपको पता, मुझे कल पता चला ननिहाल का मतलब क्या होता। इससे पहले मैं सोच रही थी वो शादी में ननिहाल ननिहाल क्यों लग रखे तब से। ओके, सो घबरा रही है। अरे हाथ तो बढ़ रहा है भैया। फिर मैं बोल लूंगी ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। अरे भाई तू खिड़की से हट भाई। खुशबू यहाँ पे अच्छी आ रही है। हाँ ठीक, बारी बनाई तो खुशबू तो ओली बाबू। कहाँ कहाँ जा रहे हो? देख ले, हम तेरे लिए कमाए अच्छा तो मगर सबसे बोर्ड है। क्या बात? हाँ तो पता था मुझे तो फॉर बन वो तो क्या यार बोर्ड माँ ठीक है बंद है अगल बगल वाले ठीक खुली सबसे पहले वो ऐसे ठीक 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 करके सारे चले गए। मेरा फोन गंदी गंदी जगह मत रखवाएं। क्या करूँ उसको बंद कर दो। ऑन करना बेटी भी ऐसी है। मैं अभी ऐसी हूँ पर बहुत अच्छी वाली ऐसी हूँ। जले ना हो अभी देख ला। वाओ यार, वाओ यार मस्त लग रहा। मेरे मुंह में पानी आ रहा अब। सकुन देना भाई खाना खा के बहू को, कैसा टेस्ट आ रखा है। नाना से तो बहुत खुश हो गए। सबसे पहले मेरे को मिल गया मीठा मीठा सा हवा। पापा तुम मुझे मेरे सबसे पहले पदाधिकारी। अच्छा नहीं मिले अभी। मम्मी जी, मामा जी, मम्मी जी, सॉरी ऐसा वाला नहीं, ऐसे जैसे वो ड्यूटी में होता है। बहुत टेस्टी जीजा जी ने पास कर दिया। यार मेरे को बोलने का मौका नहीं मिला, ये ऐसी है। अरे ऐसे होता है। सुन यार, अरे हाँ यार वो सास है वो डबल डबल करके देगी ना वापस। अच्छा बाल बाल।